नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्र और मैं हूं आपके साथ मुस्कान मिश्रा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर काफी सख्त हैं। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है कल यानी 28 अक्टूबर की देर रात, जब मुख्यमंत्री ने 11 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक में सोमवार देर रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों की जमकर क्लास लगाई। मुख्यमंत्री ने शिकायत के बाद 11 अफसर और कर्मचारियों को सस्पेंड तक कर दिया। रायसेन जिले में एक व्यक्ति ने बिजली में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने बिजली वितरण कंपनी के जनरल मैनेजर को निलंबित कर दिया। वहीं खंडवा जिले में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी, इसकी भी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची और मुख्यमंत्री ने उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है और मामले में SDOP और TI को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। वही झाबुआ में कपिलधारा कूप निर्माण योजना में भुगतान में देरी पर पंचायत सचिव को सस्पेंड किया गया है और CEO और लेखाधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वीडियो कॉल के दौरान बालाघाट कलेक्टर को बीच में ना बैठा देखकर मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार लगाई। दरअसल VC में पहले IG और DIG बैठे थे, इसी पर CM ने कहा कि बीच में कौन बैठा है, IG को हटाओ और बीच में आप बैठो, प्रशासनिक अधिकारी आप हो। दूसरी ओर समय पर छात्रवृत्ति ना बांटने पर मुख्यमंत्री ने अशोकनगर कलेक्टर को भी फटकार लगाई। वहीं अलीराजपुर कलेक्टर से CM ने पूछा कि निःशक्त जनमामले का क्या हुआ। कलेक्टर समझाने लगे तो मुख्यमंत्री ने कहा ज्यादा मत बोलो, जितना बोलोगे उतना ही फंसोगे। वहीं सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख सचिव से मुख्यमंत्री ने कहा दूसरों की भी सुन लिया करो, आप बस बोलती ही जा रही हो। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए द सूत्र। नमस्कार। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।